Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार दोस्तों हम लोग इतिहास लेखन की बदलती प्रवृत्तियों के बारे में बात करते आ रहे हैं औपनिवेशिक भारत या आधुनिक भारत के संदर्भों में और इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज जातिवाद महात्मा गांधी और बाबा साहब अंबेडकर इन तीनों के अंतर क्रियाओं के इतिहास की बात करेंगे जाति प्रथा के औपनिवेशिक पीरियड के इतिहास पर हम पिछले कुछ लेक्चर से बात करते आ रहे हैं यह उसी की अगली कड़ी है हमने इस संबंध में सेंसस के प्रभाव 19वीं सदी के उत्तरार्ध की पृष्ठभूमि महाराष्ट्र के संदर्भ में ज्योतिबा फूले के विचारों की तरफ रुख किया था और यह लाजमी है यह जरूरी है कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बीसवीं सदी के महत्वपूर्ण या कह सकते हैं कि जब हम गैर ब्राह्मणवादी चेतना की बात करें दलित चेतना की बात करें तो शायद सबसे महत्वपूर्ण हस्तक्षेप की तरफ हम अपना ध्यान केंद्रित करें और इस सिलसिले में बाबा साहब अंबेडकर के इंटरवेंशन उनकी अहमियत और साथ ही महात्मा गांधी जिन्होंने अस्पृश्यता निवारण अपने आंदोलन अपने स्वराज के फ्रेम में सबसे अधिक अहमियत उन्होंने दिया था अस्पृश्यता निवारण का तो उनकी बात हम करेंगे किस तरह से महात्मा गांधी और बाबा साहब के विचारों उनके नज़रिए में क्या भिन्नताएं थी किस तरह से वे दो भिन्न दृष्टिकोण को हमारे सामने लाते हैं जो कई अर्थों में परस्पर विरोधी हैं लेकिन इतिहास में मुकम्मल समाज के निर्माण में इन दोनों ही की भूमिका को लेकर इतिहासकारों ने अपना विश्लेषण दिया है और देखिए ये ज़रूरी है कि जब हम इतिहास की बात करें तो उसे किसी जज के रूप में न देखें हम इतिहास को एक ऐसे वकील की तरह देखें जो अपने साक्ष्यों अपने नज़रिए के द्वारा अपने सवालों के द्वारा हमारे सामने अतीत की नई परतों को खोलता है बजाय इसके कि हम एक पक्ष को बेहतर दूसरे पक्ष को कम बेहतर एक पक्ष को सही दूसरे पक्ष को गलत माने वह इतिहास का काम शायद नहीं है कम से कम यदि आप मुझसे पूछेंगे तो यह तो नहीं ही है तो जितनी भिन्न दृष्टियाँ हमारे सामने आएंगी उसके जितने नए आयाम इतिहासकार हमारे सामने लाते हैं एक शोधार्थी के नाते और ख़ासकर जब हम इतिहास लेखन के विभिन्न पहलुओं पर ध्यानस्थ हैं इस लेक्चर सीरीज में तो उन अलग अलग दृष्टिकोणों को परखना उनकी बारीकियों को समझना यह हमारे लिए ज़रूरी है लेकिन इसमें हमारी सीमाएं भी हैं और इस कोर्स की भी सीमाएं हैं एक घंटे के लेक्चर में यह मुमकिन नहीं है कि हम हर पहलू को बहुत विस्तार से समझें तो जैसे हम आज ही के पहलू की बात करें आज ही के विषय की बात करें तो महात्मा गांधी और बाबा साहब अंबेडकर के हस्तक्षेपों को समझने के लिए उसकी सभी परतों को समझने के लिए एक घंटे का यह लेक्चर बहुत छोटा पड़ेगा लेकिन जिस तरह से हमने बहुत सारे मुद्दों को अलग अलग तरीके से समझा है इस मुद्दे को भी इनके जो महत्वपूर्ण पहलू हैं उन मुद्दों को रेखांकित करना यहाँ मेरा मुख्य उद्देश्य है जिससे शोधार्थी स्वाध्याय के द्वारा भी अपने आगे के विषय को उन तारों को जिन पर यहाँ हम संक्षिप्त चर्चा भले करें उनके सहारे आप इतिहास के वीथियों में जा सकते हैं अपनी समझ बेहतर बना सकते हैं तो इसके साथ 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 ही हम अपनी चर्चा आज की चर्चा शुरू करते हैं पृष्ठभूमि जिसकी तरफ मैं हमेशा शुरू में इशारा करता रहा हूं क्योंकि इतिहास की व्याख्या कॉन्टेक्स्ट पृष्ठभूमि की व्याख्या के बगैर नहीं हो सकती है और जब हम 1920-1930 के बाबा साहब अंबेडकर या महात्मा गांधी के हस्तक्षेपों की बात करेंगे तो पृष्ठभूमि जाहिर तौर पर 19वीं सदी का उत्तरार्ध होगा जिसकी बात हमने विस्तार से ज्योतिबा फूले संबंधित लेक्चर में किया था यहाँ दोहराने की ज़रूरत है कि गैर ब्राह्मण जातियों के बीच शिक्षा की अहमियत इस समय उस पर बल दिया जा रहा था और इस सिलसिले को और भी पुरजोर तरीके से बाबा साहब अंबेडकर ने आगे बढ़ाया जहां दलित दलितों के उत् मुक्ति के लिए शिक्षा को उन्होंने केंद्र में रखा लेकिन 19वीं सदी का उत्तराध ज्योतिबा फूले की गतिविधियां और 1920-30 के दशक की गतिविधियों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी 1900 से लेकर 1920, 1930 के बीच उभर रहे आकार ले रहे अनेक दलित संगठनों दलित शब्द का मैं यहाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ और पिछले लेक्चर में मैंने अपना स्पष्टीकरण दिया था यह दरअसल गैर ब्राह्मणवादी और समाज के निचले तबकों के जाति समूहों के बारे में बात करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है यह एक समावेशी इंक्लूसिव टर्म है लेकिन इसका यह कतई मतलब नहीं कि यह कोई मोनोलिथिक सोशल ग्रुप की तरफ मेरा इशारा है इसके अनेक अलग पहलू हैं विविधताएं हैं फिर भी यहाँ मैं दलित शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ जिससे कि संप्रेषणीयता बरकरार रहे और इस तरह से इतिहासकार समाजशास्त्री भी 1970 के दशक के बाद से इस शब्द का अधिकाधिक रूप से इस्तेमाल करते आए हैं तो तमाम सीमाओं के बाद भी यह एक उपयोगी शब्द खासकर विश्लेषणात्मक नज़रिए से देखें तो हमारे सामने आता है और उसी रूप में मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ तो 1900 से 1930 के बीच हम देखते हैं कि अनेक ऐसे संगठन कास्ट एसोसिएशंस उभर कर हमारे सामने आ रहे हैं यह बॉम्बे प्रेसिडेंसी में भी है यह मद्रास प्रेसिडेंसी में तमिल भाषी इलाक़ों में तटीय आंध्र प्रदेश निज़ाम के अधिपति वाले हैदराबाद कर्नाटक तो इसका फैलाव इन संगठनों का हमें एक व्यापक ज्योग्राफिकल एक्सपेंस पर दिखता है 1913 में जाहिर सी बात है जैसा मैंने कहा कि इन पर विस्तार से चर्चा यहां संभव नहीं है लेकिन यह महत्वपूर्ण जो साइन पोस्ट हैं इस इतिहास को समझने के लिए किस तरह से चेतना आकार ले रही है इसमें एक महत्वपूर्ण पड़ाव 1913 में महार कॉन्फ्रेंस 1920 में अखिल भारतीय बहिष्कृत परिषद डिप्रेस्ड कास्ट एसोसिएशन ये सब एक इस इतिहास को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव हैं और जैसा कि मैंने पहले कहा मैं जोर देकर कहूँगा कि शोधार्थी इन प्रत्येक पढ़ावों का को थोड़ा थोड़ी गहनता के साथ अध्ययन करें इसके लिए किताबों का और डिजिटल माध्यमों का भी सहारा ले सकते हैं कि इनकी क्या भूमिकाएं रही इनका क्या इतिहास रहा यह मोटे तौर पर कहें तो ये जो अलग अलग क्षेत्रों में ये संगठन उभरकर आ रहे हैं इन्होंने आड़े और गैर आड़ी का प्रश्न कहीं न कहीं एक कॉमन मुद्दा हमारे सामने आता है इसकी शब्दावली भले ही भिन्न रही कहीं यह जैसे आंध्र में यह आदि आंध्र और आंध्र समुदायों के बीच के बाइनरी के रूप में हमारे सामने आता है निजाम शासित हैदराबाद में रेड्डी वर्मा के नेतृत्व में हम आदि हिंदू शब्द का व्यवहार पाते हैं ज्योतिबा फूले के समय शूद्र और अतिशूद्र जैसे शब्दों का इस्तेमाल देखते हैं तो अलग अलग क्षेत्र में सरोकार भले ही उनका शब्द अलग रहा लेकिन मूल मुद्दा यह था कि आर्यों के आने से पहले इन संगठनों इन समूहों का यह मानना था कि आर्यों के आगमन से पहले जो यहाँ का समाज था चाहे वह आदि आर्य या आदि हिंदू का समाज था वही उसी समाज के वंशज बीसवीं सदी के गैर ब्राह्मणवादी जातियाँ रही हैं और आर्यों के आगमन ने ब्राह्मणों के वर्चस्व को समाज में स्थापित किया जिससे इन आदि आर्य समूहों का आदि हिंदू समूहों की सामाजिक स्थिति में गिरावट आया और वे समाज के निचले तबके या अस्पृश्यता के कगार पर ढकेल दिए गए यह विभेद मैं फिर से स्पष्ट करना चाहूँगा कि आर्यों और अनार्य के बीच इतिहासकारों के बीच अनेक विवाद हैं इस पर कोई आम सहमति नहीं है कि आर्य बाहर से आए या आर्यों का आक्रमण हुआ अलग अलग समय से अलग अलग थियरीज इस बाबत प्रतिपादित किए जाते रहे हैं मेरा उद्देश्य उन थ्योरीज को उन सिद्धांतों को परखना नहीं है मैं महज यहाँ यह कहना चाह रहा हूँ कि किस तरह से इस आर्य अनार्य विभाजन को इस खास ऐतिहासिक परिस्थिति में इन गैर ब्राह्मणवादी संगठनों द्वारा उनकी पुनर्व्याख्या की जा रही है तो यहाँ जब आदि आर्य आदि आंद्र आदि हिंदू आदि की बात हो रही है तो इस विमर्श में के दो पाठ हम पाते हैं दो ध्रुव पाते हैं दो पक्ष पाते हैं एक पक्ष तो ऐसे सरोकारों का रहा जिनके लिए अस्पृश्यता उन्मूलन का सवाल या ब्राह्मण विरोध का सवाल दरअसल जो सदियों से चली आ रही स्थापित सामाजिक मान्यता वर्णाश्रम धर्म से स्वायत्तता की मांग अर्थात अस्पृश्यता या इस जातिद को खत्म करना है तो इसके लिए वर्णाश्रम धर्म से बाहर निकलना होगा ऑटोनोमी की मांग वैदिक ब्राह्मण धर्म या हिंदू धर्म जिस तरह से उस समय व्याख्यायित हो रहा था उस ऐतिहासिक परिस्थितियों में उससे बाहर निकलने की बात की जा रही है एक पक्ष के द्वारा दूसरा पक्ष समावेशीकरण की बात कर रहा है अर्थात उसके लिए अस्पृश्यता निवारण हिंदू धर्म के भीतर पनप पनपी कुरीतियों के निवारण की बात है वहाँ धर्म को की आलोचना कम है धर्म में समय के साथ साथ आई हुई कुरीतियों को दूर करने की बात है तो ये दो ध्रुव हैं एक इतिहास के छात्र के रूप में हमारे सामने और इसी कारण से जब हम आगे देखेंगे कि किस तरह से इसकी इसका प्रभाव बाबा साहब और महात्मा गांधी दोनों के वैचारिक दृष्टिकोण की भिन्नता में भी दिखता है लेकिन साथ ही यहां जिस बात की चर्चा मैंने पहले भी की कि नए समीकरण इन गैर ब्राह्मणवादी जातियों के बीच बन रहे हैं महार के बीच जो क्षत्रिय परंपरा के साथ संबंध स्थापित करने की बात है उस जरिए संबंध संगठनात्मक साझेदारी साझी विरासत की बात की जा रही है मांग महार की बात तो ये अलग अलग क्षेत्र में इसका अलग स्वरूप हम पाते हैं लेकिन कहीं ना कहीं उद्देश्य यह है कि अस्पृश्यता या ब्राह्मणवाद के वर्चस्व अस्पृश्यता निवारण के लिए गैर ब्राह्मणवादी जातियों को एक साथ आना होगा इस पर बल है इसके भी अलग अलग पक्ष हैं हालांकि उस तरफ विस्तार से जाना यहाँ संभव नहीं है एक और महत्वपूर्ण बात कि ये जो सभी जातियाँ हैं खासकर जब हम अस्पृश्यता के इतिहास की बात करते हैं तो ये कृषि मजदूर या औद्योगिक मजदूर औद्योगिक श्रमिक वर्ग से इनका ताल्लुक रहा तो इस तरफ भी अंबेडकर के विचार सीधे सीधे उन्मुख रहे लेकिन यदि अंबेडकर के रुझानों उनके वैचारिक और राजनीतिक गतिविधियों से बाहर भी निकलकर देखें तो 1920 का दशक मंदिर प्रवेश के संबंधित आंदोलनों का समय रहा जिसकी शुरुआत 1920 के दशक के मध्य से पहले दक्षिण से शुरू हुई लेकिन इसने राष्ट्रीय स्तर पर नेताओं का और जनमानस का ध्यान अपनी तरफ खींचा जब पहली बार बहुत सशक्त रूप में समाज के वेद तबके जिन्हें मंदिर में प्रवेश की इजाज़त नहीं थी उन्होंने मंदिर प्रवेश के अधिकार को लेकर वर्चस्ववादी ताकतों के खिलाफ मुहिम छेड़ा और इसकी प्रतिध्वनियां हमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरोकारों में भी महात्मा गांधी के विचारों में भी देखने को मिलता है जब उन्होंने मध्यस्थता की भी कोशिश की थी लेकिन यहाँ भी हम देखते हैं कि महात्मा गांधी की तुलना में बाबा साहब अंबेडकर के विचार एकदम भिन्न थे बाबा साहब अंबेडकर के लिए मंदिर प्रवेश कोई अहम बात नहीं थी दरअसल वे कई मौक़ों पर मंदिर प्रवेश के प्रति सख्त आलोचक भी रहे और उनके अपने तर्क रहे कि यदि अस्पृश्यता निवारण की बात करनी है यदि दलितों के उद्धार की बात करनी है उनकी समानता की बात करनी है तो मंदिर प्रवेश का मसला असल मुद्दा नहीं हो सकता है और हम आगे आ इस इसके भी अनेक पहलुओं को देखेंगे कि क्यों बाबा साहब ऐसा मानते थे लेकिन दूसरी तरफ एक महत्वपूर्ण अध्याय उन्नीस में महाद जो कोंकण में एक छोटा सा शहर है वहाँ 1927 के टैंक सत्याग्रह के रूप में हमारे सामने आता है जब कोलाबा जिला बहिष्कृत परिषद के अधिवेशन में दूसरे दिन यह प्रस्ताव पारित किया गया कि सभी वहाँ से मार्च कर और टैंक से पानी पिए यह अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना थी क्योंकि अस्पृश्यों को सामुदायिक जल स्रोतों से पानी लेने की इजाज़त नहीं थी एक बड़ा जत्था इस अधिवेशन से मार्च करते हुए टैंक से पानी पीता है वापसी में सांप्रदायिक झड़प भी की घटना होती है और फिर पुलिस कंप्लेन लॉज किए जाते हैं इन सब वाक्य ने एक राष्ट्रीय स्तर पर लोगों का ध्यान खींचा हालांकि सामुदायिक स्रोतों से जल पीने की इजाज़त बहुत बाद तक भी अस्पृश्य जातियों को हासिल नहीं हुई और बाद तक भी इस संबंध में दावे प्रतिदावे और हिंसा की घटनाएं भी हमारे सामने आती रही लेकिन एक सांकेतिक रूप में कहें एक पहल के रूप में कहें तो का टैंक सत्याग्रह एक अहम भूमिका के रूप में हमारे सामने आता है ख़ासकर जब हम बाबा साहब अम्बेडकर के इतिहास उनके विचारों की तरफ देखते हैं उनके हस्तक्षेपों की तरफ देखते हैं 1930 में इसी तरह डिप्रेस क्लासेस कॉन्फ्रेंस या लंदन के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस इन सब का खासकर दूसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जिसमें बाबा साहब ने अलग दलितों के लिए अलग इलेक्टोरेट की मांग रखी और जिसने महात्मा गांधी और बाबा साहब अंबेडकर के बीच की खाई को और गहरा कर दिया महात्मा गांधी इस मांग के खिलाफ आमरण अनशन करते हैं और अंततः बाबा साहब अंबेडकर को गांधी जी के साथ पूना पैक्ट का समझौता होता है जिसमें बाबा साहब ने सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग को छोड़ा लेकिन इसके बदले दलितों की भागीदारी में खासा इजाफा हम पाते हैं पुणे पैक्ट के नतीजे इनके विवाद आदि पर इतिहासकारों ने अलग अलग पहलू से लिखा है पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने लिखा है यहाँ मैं जैसा कि मैंने कहा कि मुख्य घटनाओं की तरफ के रूप में ही उनकी तरफ इशारा कर रहा हूँ क्योंकि अहम मुद्दा ये जो वैचारिक दृष्टि से जो भिन्नता है उसको समझने का है और जो बाबा साहब अंबेडकर के हस्तक्षेप हैं उनके जो तार हैं उनको विश्लेषित कैसे किया जाए उनको कैसे इतिहासकारों ने देखा इस तरफ हमारा ध्यान अधिक है बजाय कि किसी एक खास घटना व्याख्यायित किया जाए इसलिए मैं पुणे पैक जो बहुत महत्वपूर्ण है उसकी तरफ भी महज इशारा कर आगे यहां बढ़ रहा हूं तो वापस हम यदि ऑटोनोमी वर्सेस इंटीग्रेशन स्वायत्तता या समावेशीकरण के जो जो दो भिन्न ध्रुव की बात में कर रहा था उसकी तरफ मैं जाऊं तो हम पाते हैं कि बाबा साहब के लिए दलितों का प्रश्न मूलतः एक राजनीतिक प्रश्न था यहां उनके लिए यह प्रश्न प्रतिनिधित्व राइट टू रिप्रेजेंटेशन का था नागरिकता का सवाल था अर्थात राइट टू होल्ड ऑफिस अंडर द स्टेट हर किसी को यह अधिकार समान रूप से मिले यह उनके जद्दोजहद का मूल था कोई ग्रुप कोई समूह समाज के किस पायदान पर है इससे उसके राजनीतिक अधिकार पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए इसलिए अस्पृश्यता या दलितों के का समाज के निचले पायदान पर होना दरअसल उस असमानता की तरफ ले जाता है जो कि राजनीतिक रूप से उन्हें उनके अधिकारों से वंचित करता है और इस राजनीतिक अधिकारों की लड़ाई बाबा साहब की लड़ाई थी जैसा कि हम सब जानते हैं कि उन्होंने अर्थशास्त्र की पढ़ाई की थी विदेश से कोलंबिया से फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की थी और उसका उस पाश्चात्य शिक्षा दीक्षा का उनके विचारों पर सीधा सीधा असर देखने को मिलता है ये राजनीतिक अधिकार की भाषा सीधे रूप से पाश्चात्य प्रजातंत्र पाश्चात्य नागरिकता के जो आदर्श हैं वहाँ से आते हैं और इस कारण भी बाबा साहब के लिए धार्मिकता का सवाल या भक्ति परंपरा से जिस तरह से ज्योतिबा फूले जोड़ते थे वह सवाल उनके लिए अहम मुद्दा नहीं था पंडरपुर गैर ब्राह्मणवादी जातियों के लिए एक महत्वपूर्ण पिलग्रिम सेंटर धर्म स्थल के रूप में रहा है लेकिन बाबा साहब अंबेडकर के लिए यह मुद्दा उतना अहम नहीं था दरअसल जैसा मैंने पहले भी कहा कि इस धार्मिकता को लेकर उन्होंने आलोचनात्मक प्रतिक्रियाएं ही दी थीं तो ये एक रैशनल ग्राउंड पर एक पॉलिटिकल कैटेगरी की तरह उनके लिए दलितों का प्रश्न या अनटचेबिलिटी का प्रश्न आता है दूसरी तरफ महात्मा गांधी के लिए अस्पृश्यता समाज की एक अहम कुरीति है लेकिन एक ऐसी कुरीति जो सामाजिक और सभ्यता जनित स्तर पर भारतीय समाज की एक अंदरूनी समस्या रही और इस अंदरूनी समस्या से निपटने के लिए उन्होंने हरिजन शब्द दिया और इस पर बल दिया कि सभी समाज के का हर तबका वर्णाश्रम धर्म के संरचनात्मक छाते के नीचे हर तबके की अपनी भूमिका है और हर तबके का अपना स्थान है तो और इस संरचनात्मक पतन के लिए जिस तरह की कुरीतियाँ समाज में पनपी पन उनका प्रतिकार होना चाहिए ऐसा महात्मा गांधी का मानना था दूसरी तरफ बाबा साहब अंबेडकर के लिए अस्पृश्यता के खिलाफ संघर्ष समानता और समान आर्थिक अवसर देने से जुड़ा था और जैसा कि मैंने पहले कहा कि इस हेतु शिक्षा को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माध्यम उन्होंने माना लेकिन साथ ही दलित चेतना के विकास के लिए गैर ब्राह्मण जातियों के बीच सहयोग और दलितों के बीच संगठन की अहमियत पर वे बल देते थे और मैंने अभी अभी जो कहा कि फूले ज्योतिबा फूले जो, जो प्रतिबिंबों और सांस्कृतिक विरासत की पुनर्व्याख्या कर रहे थे जिनके लिए भक्ति की विरासत पंडरपुर सभी महत्व का था उससे भिन्न अंबेडकर के विचार थे वे अस्पृश्यता को धार्मिक मुद्दा ही नहीं मानते थे बल्कि उनके लिए यह भौतिक और एक धर्मनिरपेक्ष यथार्थवादी कैटेगरी के, के रूप में हमारे सामने आता है तो आम्बेडकर के विचारों में गैर ब्राह्मणवादी जातियों की असमानता उनका उत्पीड़न या फिर अस्पृश्यता की बात ठोस सामाजिक और आर्थिक धरातलों पर सामने आता है और इस कारण से वे महात्मा गांधी की तरह वर्णाश्रम धर्म के भीतर सुधार की बात नहीं कर रहे हैं वे वर्णाश्रम धर्म के खिलाफ बात कर रहे हैं तो यदि महात्मा गांधी को हम समावेशी विचार के पक्ष में रखें तो बाबा साहब अंबेडकर स्वायत्तता की बात करते हुए हमारे सामने मिलते हैं और यही कारण था कि 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया सामाजिक और आर्थिक जो धरातलों की बात है वहाँ वे वामपंथी गुटों के करीब दिखते हैं लेकिन गौरतलब हो कि जब मुंबई में मिल मजदूरों के हड़ताल की बात हुई तो उन्होंने इन वामपंथी नेतृत्व को इस बात पर राजी किया कि अनटचेबिलिटी का सवाल जो समाज के निचले तबके से मजदूर आते हैं उन्हें भी कारखाने के हर किस्म के काम करने का समान अधिकार मिले इस दिशा में बाबा साहब को काफ़ी जद्दोजहद करना पड़ा और जब दूसरी बार उन्नीस के मिल मजदूर हड़ताल में उन्होंने तो हड़ताल की खिलाफत की और अपने समर्थकों को अपने लेखनी से उन्होंने कहा कि हड़ताल से दरअसल जो अनटचेबल वर्किंग क्लास सेगमेंट है उसकी परेशानियाँ और अधिक बढ़ेगी ही तो उनके लिए असमानता का अधिकार असमानता का प्रश्न सीधे सीधे शोषण का प्रश्न था और शोषण से मुक्ति किस तरह से हो यह उनके जद्दोजहद उनके सरोकार के केंद्र में था यह शोषण की बात फिर से खासकर आर्थिक शोषण और इसका जो संबंध हमने पहले देखा राजनीतिक अधिकार की असमानता के साथ ये मुद्दे फिर से हमें बाबा साहब और महात्मा गांधी के बीच के अंतर को की तरफ़ ले जाते हैं जैसा कि मैंने कहा कि महात्मा गांधी के लिए अस्पृश्यता के ख़िलाफ़ संघर्ष वर्णाश्रम धर्म के भीतर की लड़ाई थी जबकि बाबा साहब अंबेडकर के लिए यह वर्णाश्रम धर्म के ख़िलाफ़ संघर्ष था और चूंकि महात्मा गांधी के लिए यह वर्णाश्रम धर्म के अंदरूनी लड़ाई थी तो यह संघर्ष महात्मा गांधी के लिए कर्तव्य की भाषा में हमारे सामने आता है जहां वे आग्रह करते हैं खासकर सवर्णों से कि वे अवर्ण को हरिजनों को समान तरजीह दें लेकिन हमने देखा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऑफिस ऑफिस बियर्स में भी जहां नेतृत्व की बात आती है वहां अवर्णों को हाशिए पर ही रखा गया तो महात्मा गांधी के लिए इस तरह से यह एक मानव चेतना के प्रति मानव चेतना को उन्मुख एक आग्रह के रूप में आता है एक आदर्श आग्रह के रूप में हर मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह दूसरे को समान समझे और दूसरे को समान अवसर दे तो यह कर्तव्य की भाषा है लेकिन दूसरी तरफ बाबा साहब अंबेडकर के लिए दलितों का प्रश्न मूलतः उनके अधिकार का प्रश्न था जैसा कि मैंने पहले कहा कि वे राइट्स अधिकार की भाषा उन्हें समानता का अधिकार मिलना चाहिए और इसीलिए ये जो जो वैचारिक अंतर है इस कारण से महात्मा के लिए किसी हरिजन के पारंपरिक और अवमानना वाले कार्य को खुद से कर देना जनता के लिए एक संदेश पहुंचाने का के उद्देश्य से भी था पर यह जैसे अस्पृश्यों के साथ भोजन करना अस्पृश्यता को न मानना अपने जीवन में अपने कार्यों में दैनिक कार्यों में उन कामों को करना जो पारंपरिक रूप से अस्पृश्यों के लिए ही माना जाता था इन कामों को करते हुए महात्मा गांधी और स्वयं भी और अपने समर्थकों से भी देश की जनता से भी उनके स्वविवेक के स्तर पर आग्रह कर रहे थे यह स्वविवेक और स्वव इच्छा का मसला था जाहिर सी बात है कि यह उनके स्वराज के मॉडल में एक अहम भूमिका रखता था लेकिन आप अपनी इच्छा से उन कार्यों को कर रहे थे जो दरअसल अवमाननापूर्ण कार्य माना जाता था जो अस्पृश्य तबकों के लिए ही माना जाता था अब दूसरी तरफ देखिए कि बाबा साहब और दलितों के लिए ये अवमाननापूर्ण कार्य यह असमानता यह तिरस्कार उनके अनुभव और उनके अतीत दोनों ही का मुद्दा था यहाँ इच्छा या, या स्वविवेक का प्रश्न ही नहीं है वे उस जिंदगी उस तिरस्कारपूर्ण जिंदगी के निर्वहन के लिए कंडेम्ड थे यह उन्हें विरासत में मिली थी जिसकी प्रकृति आनुवंशिक थी तो इस जन्मजात आनुवंशिक प्रकृति के कारण यहां दलित शोषण का मुद्दा इस अनुभव का मुद्दा दरअसल पहचान की राजनीति से जुड़ जाता है और इस पहचान की राजनीति से छुटकारा के लिए बाबा साहब एक तरफ तो अधिकार की भाषा की वकालत कर रहे थे और दूसरे तरफ उनके लिए इसके लिए राज्य का हस्तक्षेप आवश्यक था और इसी राज्य की हस्तक्षेप के मुद्दे के कारण हम उन्हें चाहे वह मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधारों के समय ब्रिटिश राज्य को पिटीशन देते हुए पाते हैं या लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के समय जो उनका हस्तक्षेप है उनका जो उनके जो तर्क हैं उनकी दलील उसके मूल में यही है वे मानते थे कि बगैर राज्य के हस्तक्षेप के यह राजनीतिक अधिकार का प्रश्न नहीं सुलझ सकता है अब देखिए दूसरी तरफ महात्मा गांधी का स्वराज जहाँ एक तरफ पाश्चात्य आधुनिकता के सबसे सशक्त आलोचना के तौर पर हमारे सामने आता है वहीं बाबा साहब अंबेडकर ने आधुनिकता के उत्पाद पश्चिमी शिक्षा को ही अपने राजनीतिक अधिकारों को और कानून को अस्पृश्यता के खिलाफ सबसे सुदृढ़ हथियार माना अर्थात जिस पश्चिमी आधुनिकता की खिलाफ थे महात्मा गांधी उसी पश्चिमी आधुनिकता को अस्त्र बनाकर उसको सशक्त प्रेरक स्रोत बनाकर बाबा साहब अंबेडकर राजनीतिक अधिकारों और कानून के जरिए अस्पृश्यता उन्मूलन और दलित के समानता की बात कर रहे हैं तो ये दो विपरीत ध्रुव हमारे सामने दिखते हैं जैसा मैंने शुरू में भी कहा यहां उद्देश्य एक पक्ष को एक तर्क को बेहतर और दूसरे तर्क को कम बेहतर सिद्ध करना नहीं है हमें एक इतिहासकार के रूप में भिन्न मतों के जो बौद्धिक जरे हैं उनके तार या सामाजिक और आर्थिक तार उनको समझना होगा और इस कारण हम यदि इस इतिहास को देखें तो जहाँ एक तरफ हमें नेतृत्वकारी शक्तियाँ मिलती हैं नेताएं और उनके विचार मिलते हैं समाज सुधारक मिलते हैं जो पाश्चात्य शिक्षा के आधुनिकता के खिलाफ थे वहीं दूसरी तरफ हमें समाज सुधारक और दलित चिंतक मिलते हैं जिन्होंने पाश्चात्य आधुनिकता और ख़ासकर शिक्षा और कानून इन्हें दलितों के शोषण को दूर करने का सबसे महत्वपूर्ण हथियार माना एक तरफ वे शक्तियां जिन्होंने यह माना कि यह भारतीय समाज की अंदरूनी लड़ाई है हिंदू समाज की अंदरूनी लड़ाई है तो दूसरी तरफ वे विचारक और चिंतक हमारे सामने आते हैं जिन्होंने वर्णाश्रम धर्म की खिलाफत की और इससे बाहर निकलने की वकालत की इन भिन्न दृष्टियों दृष्टिकोणों के बीच ही जातिवाद का प्रश्न पिछले डेढ़ सौ साल में आइडेंटिटी का प्रश्न और राजनीतिक प्रश्न के रूप में हमारे सामने उत्तरोत्तर मिलता चला गया मिलता चला जा रहा है लेकिन इस चर्चा के दो और महत्वपूर्ण आयाम जिनके बारे में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे एक तो दक्षिण भारत में खासकर श्री नारायण गुरु और पेरियार के विचारों से प्रभावित जो दलित चेतना का विकास हो रहा था उसके स्वरूप की बात करेंगे उसके इतिहास की बात करेंगे और दूसरा कि इस दलित चेतना में इस गैर ब्राह्मणवादी चेतना में महिलाओं का इतिहास क्या रहा है उस इतिहास को कैसे देखें इन पर भी हम अगले लेक्चर में बात करेंगे तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें धन्यवाद